पहाड़ी क्षेत्र में अचानक आई आंधी तूफान से उजड़ा गरीब परिवार का आशियाना, बेघर हुए पीड़ित परिवार के लोग। पीड़ित परिवार के लोगों ने अंचल में लगाया उचित मुआवजा की गुहार। पहाड़ी क्षेत्र में अत्यधिक आंधी तूफान आने से सलैया अंबाटोली गांव में निवास कर रहे कई लोगों के घर का अल्बेस्टर को किया क्षतिग्रस्त, जिससे आंधी तूफान का परिणाम देखने को मिला। लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड क्षेत्र के सलैया अंबाटोली गांव के आसपास के क्षेत्र में सोमवार की दोपहर में अचानक आई आंधी तूफान ने कई घरों का आशियाना को उजाड़ दिया। आपको बता दें कि अंबाटोली गांव के लालू राव का घर आंधी तूफान से लगभग 50 पीस अल्बेस्टर टूट टूट कर बिखर गया। आंधी तूफान इतना अधिक था कि घर का अल्बेस्टर 50 फीट की दूरी पर जा गिरा, जिससे सभी अल्बेस्टर क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं घर के सभी अल्बेस्टर टूट कर क्षतिग्रस्त हो गए। ऐसे में लालू राव बेघर हो गए हैं। हालांकि इस घटना में किसी की हताहत होने की सूचना नहीं है। खबर 365 न्यूज के लिए लोहरदगा ब्यूरो सद्दाम खान की रिपोर्ट। तो आंधी तो भयानक रूप से आया और सारा अल्बेस्टर उड़ गया। कितना अल्बेस्टर था? लगभग 50 या 55 था और सब खत्म हो गया, एक भी नहीं बचा। गांव का नाम बताइए। गांव सलैया अंबा टोली। आपका नाम बताइए। मेरा नाम लालू राव। आगे आप मांग क्या करना चाहते हैं? यही मांग कर रहे हैं कि कम से कम मुआवजा दिया जाए ताकि इस घर को फिर से बना सके। अल्बेस्टर अचानक आंधी तूफान आने से और यहाँ 50-55 अल्बेस्टर था और 50 फीट लगभग दूरी सबको मैंने उड़ करके सब चकनाचूर हो गए, एक पीस भी नहीं बचा। बहुत तूफान था और एक दो घर के गिरा है, लेकिन इसका ज़्यादा नुकसान हो गया है लालू के घर। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज़, साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।